औरैया पुलिस अधीक्षक सुनीति द्वारा भारी पुलिस बल ने कोरोना बीमारी के दृष्टिगत जनपद में ऑपरेशन लॉकडाउन के तहत भ्रमण कर नगर की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा लोगों से लॉकडाउन का पालन करने व घरों में सुरक्षित रहने की अपील, साथ ही कहा गया कि बहुत ही आवश्यक स्थिति में घर से बाहर निकले। बुजुर्गों व बच्चों को किसी भी दशा में बाहर न निकलने दें। सभी लोगों को मास्क लगाए जाने के लिए क्रेताओं विक्रेताओं व आम जनमानस को हिदायत दी गई कि मास्क लगाना अति आवश्यक है। मार्केट व संभावित स्थानों पर एकत्रित न होने की भी सलाह दी गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी बोल। ऑपरेशन लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन करने पर औरैया पुलिस द्वारा 10 दोपहिया वाहन सीज किए गए। 40 वाहनों का चालान कर ₹500 संबंध शुल्क वसूल किया गया। इस दौरान लोगों के विरुद्ध लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर 125 लोगों को हिदायत दी गई एवं मास्क न लगाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा लोगों से अपील की गई कि प्रशासन का सहयोग करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और औरैया प्रशासन आपके साथ है। औरैया से संवाददाता एस के यादव की खास। मैं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से आप क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए ऐसा है, अभी हम एक घंटे से भ्रमणशील थे तो 10 बाइक हम लोगों ने सीज की है। इसके अलावा करीब 40 चालान इधर हुए हैं। हम लोगों को जागरूक दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं बार बार। एक तो ये कि वो बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकले। दूसरा ये कि प्राय देखा जा रहा है कि अपने घर के पास की दुकान की बजाय वो जो दूर या उनके लिए जो रोज़ाना की सामान लेने के लिए जो 4-5 किलोमीटर दूर दुकान होती है उसके पास जाते हैं, तो उनको बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि अपने घर के जो निकटतम जहाँ व्यवस्था हो आप वहीं तक जाएंगे, उसके दूर तक नहीं जाएंगे।